हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ 90% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, मगर कुछ अरसे से प्रदेश आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहा है। गांव हो या फिर शहर, हर जगह आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। एक और जहां सड़कों पर घूम रही आवारा गाय से दुर्घटना का अंदेशा हर वक्त बना रहता है, वहीं दूसरी ओर आवारा घूम रही गाय ने किसानों की फसलें तबाह करके रख दी हैं। प्रदेश में सत्ता में रहे तमाम राजनीतिक दल चुनावों के ऐन वक्त पर प्रदेश के किसानों को सत्ता में आने पर आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बातें करते हैं, मगर सत्ता में आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में आवारा पशुओं का कहर सिर चढ़कर बोल रहा है और किसानों व आम जनता का जीना हराम हो गया है। इसके समाधान के लिए ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक जबना चौहान ने प्रदेश सरकार से सभी किसानों की पशुओं का पंजीकरण करवाने की मांग की है। जबना चौहान का कहना है कि जब तक सरकार किसानों की पशुओं का विधिवत रूप से पंजीकरण करवाना सुनिश्चित नहीं करेगी, किसान व प्रदेश की जनता इस समस्या से जुड़ती ही रहेगी। वहीं किसानों का आरोप है कि समस्याओं को लेकर सरकार व प्रशासन से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। मंडी जिला के अंतर्गत हटली थाना के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देर रात करीब 11:30 बजे पुलिस चौकी हटली और आयकर विभाग सरकाघाट द्वारा भामला चौक पर नाका लगाया गया था। नाके के दौरान पुलिस ने एक जीप से 150 पेटी अवैध शराब बरामद की है। एएसपी मंडी पुनीत रघु ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भामला में नाके के दौरान 150 पेटी अवैध शराब बरामद की है। उन्होंने बताया कि जीप में दो व्यक्ति सवार थे, एक तो मौके से फरार हो गया परंतु दूसरा व्यक्ति भागने में नाकाम रहा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद नेरचौक के पार्षदों ने नगर परिषद नेरचौक अध्यक्षता व उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का कहना है कि नेरचौक नगर परिषद किसी भी वार्ड में काम करवाने में असमर्थ रही है। पार्षदों का कहना है कि जो टेंडर नगर परिषद को मिले थे वो भी अभी तक अध्यक्षा व उपाध्यक्षा नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले भी उनसे इस्तीफा मांगा था। उन्होंने कहा कि बावजूद नगर परिषद के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसी को लेकर आज नगर परिषद नेरचौक के पार्षदों ने उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। वहीं वार्ड नंबर 1 के पार्षद रजनी सोनी ने कहा कि उन्होंने आज डीसी को नगर परिषद नेरचौक की अध्यक्षता व उपाध्यक्ष के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद यही चाहते हैं कि नगर परिषद नेरचौक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के फिर से चुनाव करवाए जाएं। हर साल की भांति इस बार भी 3 जून को 4-लेन बाईपास पर स्थित मूल शनिदेव मंदिर में नागचला में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 जून को मंदिर में विशाल जागरण का आयोजन भी किया जाएगा। जागरण शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। मंदिर के पुजारी पप्पू महात्मा ने सभी भक्तजनों से इस आयोजन में सहयोग करने की अपील की है तथा साथ ही जागरण व विशाल भंडारे में भी भक्तजनों को सादर आमंत्रित किया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुलियाली में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली बेटी जानवी सुपुत्री करतार सिंह ने कुश्ती में प्रथम स्थान हासिल कर नूरपुर व अपने गांव का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ ने किया था, जिसमें हिमाचल के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इसी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलियाली की छात्रा जानवी ने कुश्ती प्रतियोगिता की 35 किलो वर्ग को जीतकर पहला स्थान हासिल कर मेडल अपने नाम किया है। छात्रा को स्कूल के प्रधानाचार्य सोमलता ने भी सम्मानित किया। छात्रा ने स्कूल के साथ साथ अपने माता पिता व गांव का नाम भी रोशन किया है। स्टेट लेवल प्रतियोगिता जीतने के बाद जानवी को नेशनल के लिए चुना गया है, जो राजस्थान में होगी, जिसमें ये छात्रा हिमाचल प्रदेश की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व करेगी। छात्रा के गुरु जोनू का कहना है कि ये मेहनती छात्रा एक साधारण परिवार से संबंध रखती है। अगर इस छात्रा को सरकार की अच्छी सुविधाएं मिल जाएं तो ये देश का नाम रोशन कर सकती है। सोलन शहर में लगने वाली बिजली के अघोषित कटों से आमजन बेहद परेशान है।
एक माह में विभिन्न स्थानों पर कई जगह पूरे पूरे दिन भी कट लग रहे हैं, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सोलन शहर का व्यापारी वर्ग पहले ही मंदी के दौर में है, ऊपर से व्यवसाय के समय में बिजली गुल रहने से रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। यही वजह है कि शहरवासियों में बिजली बोर्ड के प्रति भारी रोष पनप रहा है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन शहर में गांव की तरह अघोषित कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से गृहिणियां घर में बच्चों को स्कूल भेजते वक्त कटों से परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवसायी जो कि बिजली पर आधारित कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका भी बिजली की आंख मिचौली की वजह से घर चलाना मुश्किल बन रहा है।